जान देख लो फैजान का तो बहुत बुरा हाल हो गया है। भाई से देख सकते हो ये अब्दाई का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि भूख लगा है इसको बहुत जोर से। और ये ऊपर का फैजान का सीट है गाइस, और ये मिडिल का मेरा था, और ये पता नहीं किसका। हम लोग गाइस देख सकते हो फैजान कितना गुस्सा हो गया, वीडियो नहीं चालू था और ये रोजा है और सो के भी उठा है, इसका मुँह देखो। तो गाइस सुबह के बज गए हैं 4 और हमारा टिकट है 6 बजे और हम बहुत ही जल्दी आ गए हैं। और ये फैजान नींद में है अभी और थक गया बहुत ज़्यादा ही गाइस। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने आ गए थे स्टेशन पे, बट ट्रेन हमारा 6 बजे था, तो अभी हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। 2 घंटा और बचा है, 2 घंटे नहीं 1.5 घंटा बचा है, 4:30 होने वाला है, 6 बजे सहरी करेंगे क्योंकि रमज़ान है ना, तो अभी सहरी करना है। अभी चल कर सहरी करेंगे, आमलेट वगैरह कुछ खाएंगे, तो उसके बाद फिर निकलते हैं, फिर ट्रेन में बैठेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। बाय बाय। सो गाइस देख सकते हैं ये हमारा सामान रखा हुआ है। सो गाइस अभी ट्रेन आएगा 20 मिनट बाद आएगा, क्योंकि 5:40 हो गया है। और यहाँ पर विनोद भी बैठा है और यहाँ पर हमारा सामान आ गया है, फिर से हम उसी जगह पर आ गए क्योंकि पिछली बार ना और पुलिस ने भगा दिया था, बाहर कर दिया था, तो हम लोग 2-4 घंटा बाहर थे, अब आ गए फिर अंदर। और बस 20 मिनट लगेगा ट्रेन ना जाएगा, फिर ट्रेन में बैठेंगे, फिर मिलता हूँ गाइस आपसे। और गाइस अभी सोया हुआ उन्होंने, तो आग मेरा देख लो गाइस पूरा लाल हो चुका है, तो अभी हम लोग ट्रेन में सोएंगे, पूरा दिन सोऊंगा मैं, रोज़ा भी हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सोएंगे आराम से पूरा दिन। 1 बजे उठूँगा फिर अपना शहरी वो रिफ्तार का इंतजाम करेगा विनोद, कहीं से पकौड़े वकौड़े मंगाएगा भाई, फिर करेंगे है ना। इतना का जुगाड़ करेंगे मंगाएंगे तो टेंशन मत ले, जुगाड़ कर देना कहीं इतना यार। तो भाई काफ़ी ज़्यादा थके, काफ़ी ज़्यादा थके हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा सामान वगैरह पड़ा है ऐसे। गाइस सुबह हो गया, यानी हम लोग 9 बजे निकले थे रूम से, सुबह हो गया, मैंने बहुत टाइम हम लोगों को स्टेशन पर रुकना पड़ा यार, अगर उससे सुबह आते तो अच्छा रहता मेरे को, फालतू में चले आए यार इतना पास। तो गाइस बस कुछ 10 मिनट बाद निकलने वाले हैं हम, यहाँ पर सामान वगैरह ले लिया है, पूरा सामान वगैरह ले लिया है, और अभी चलने वाले 10 मिनट में बस आ गया है, 10 मिनट और लगेगा है ना, रेडी है, रेडी इतना टाइम बाद इतना पूरा रात जाग के काटना पड़ा, अब क्या करेंगे दिन में, पूरा दिन सोएंगे, बस सोएंगे और कुछ नहीं करेंगे, और कुछ करना नहीं है, पता नहीं कहाँ रहेगा ट्रेन यार। सो गाइस फाइनली भी हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में, और ये ब्लॉग मैं काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ। ट्रेन में बैठ गया आराम से और सबको सामान वामा शिफ्ट करने लगा, उसके बाद सामान वामा शिफ्ट करने के बाद हम लोग थोड़ा लेट गए, सुबह मॉर्निंग 6 बजे ट्रेन आया था, तो अच्छे टाइम पर आया था और हम लोग बैठ गए थे, पूरे 3 बज गया है और मैं अभी 12 बजे उठा सो के, विनोद भी अभी जस्ट उठाया, मैं उठा था, फिर कुछ चाय वाय पी के खाना खा के फिर सो गया था, मैं तो अभी 12 बजे उठा था, फिर दो ढाई घंटा कुरान शरीफ पढ़ा हूँ, सोचा पढ़ लेता हूँ, टाइम ही नहीं पास हो रहा था, फिर कुरान तर्जुमा पढ़ा, तो ऐसे ऐसे टाइम बीत के 3 बज गया है, तो सोचा गाइस थोड़ा ब्लॉग बना लेता हूँ, आप लोगों से बात ही नहीं किया था, फिर काफ़ी टाइम हो गया, तो बस अभी हम लोग बैठे हैं, अभी आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं, आधे में थोड़ा सा कम, ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है, ये 22-23 घंटा का सफ़र है, रोड से 1000 किलोमीटर है, तो बस इतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो हम सुबह पहुँच जाएंगे मॉर्निंग में। और गाइस यहाँ पर देख लो हमारा कुछ सारा सामान रखा हुआ है, 2 बैग और जूता भी यहीं पर डाल रखा हूँ, ये बैग है, किताब उसमें है, और ये सब कंबल वगैरह, और नीचे मेरा ऊपर का सीट है गाइस, विनोद का नीचे है, तो मैं दिखाता हूँ विनोद का भी, ये देखो गाइस विनोद यहाँ पर लेटा हुआ है, बात कर रहा है, इसका बैग भी नीचे है, बीच का सीट है, तो नीचे विनोद भी लेटा है, बात कर रहा है अभी, और ये हमारा सीट है गाइस, नीचे ट्रेन चल रहा है। सो गाइस अभी ऐसा ही कट रहा है हमारा, और हम पहुँचेंगे सुबह, तो अभी काफ़ी टाइम है, तो मैं थोड़ा बहुत जा रहा हूँ मोबाइल चलाने, सुबह पहुँचना है, तो शाम को तारीख आएंगे, फिर उसी का इंतजाम करेंगे, फिर आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो है तारीख कैसा होता है ट्रेन में, तो अभी मैं दिखाऊंगा शाम को, तो अब शाम को मिलूंगा गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस गया विनोद पानी लाने वहाँ पे, देख सकते हो आप गाइस पहुँचे हैं अभी हम जस्ट हुबली, 2 घंटा लेट है गाइस ट्रेन, 2 घंटा पूरे, तो गाइस हम लोग 2 घंटा लेट पहुँचेंगे, और वहाँ पर समोसा वड़ा पाव वगैरह मिल रहा है, देख सकते हो आप विनोद पानी लाते हुए, अरे यार अभी तो रहा यार समोसा, हाँ ले अभी खाएंगे, अभी ताफ्तारी करना है ना, किधर परस विनोद गया अभी लाने समोसा वड़ा पाऊँ, ये मुझे अफ्तारी करना है, तो इसको जैसे वहाँ पर ले रहा है गाइस, इसको समोसे वाले ने चूतिया बना दिया है, ये सही दिया हिसाब से, ठीक ही दिया ना, 50 में 4 क्या चाहिए, उसी का घर लोगे, हाँ बहुत बड़ा स्टेशन है गाइस, देख सकते हो बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई साहब, 2 घंटा लेट है यार, पता नहीं कब पहुँचाएगा, 2 घंटा लेट भी है, कोई ना पहुँच जाएंगे धीरे धीरे, गाइस देख सकते हो फैजान कितना गुस्सा हो गया, वीडियो नहीं चालू था, और ये रोजा है और सो के भी उठा है, इसका मुंह देखो,
बस टाइमिंग का ही इंतजार कर रहा है। सो गाइस देख सकते हो कितना अच्छा रेलवे स्टेशन है हुबली, कितना मस्त है। और ये फैजान को देखो, और ये ऊपर का फैजान का सीट है गाइस, और ये मिडिल का मेरा था, और ये पता नहीं किसका, हम लोग आगे बैठ गए इधर ही। बहुत बड़ा स्टेशन है देख, खत्म ही नहीं हो रहा है देख, बस खत्म हो गया। गाइस ये देख सकते हो ये अफ्तारी का इंतजार कर रहा है क्योंकि भूख लगा है इसको बहुत ज़ोर से, खाया नहीं 4-5 दिन से, और इसको घर भी जाना था तो टेंशन में था, डिप्रेशन में था, और सो के भी उठ रहा है। पता नहीं कहाँ पहुँच गए, कॉल भी नहीं किए हम लोग पवन को, देखो पता नहीं कहाँ पहुँच गया, अभी रात में लगाएंगे नहीं, फिर भी हम लोग उससे ज़्यादा हो गए हैं। हाँ देख सकते हो गाइस ये है हुबली जंक्शन, और कितना मस्त वो फ्लावर दिख रहा है गाइस। देना पड़ जाएगा मोबाइल के लिए, बहुत मस्त है यार, कौन सा जगह है देनो, जगह तो मस्त दिख रहा है मुझे। सो भाई साहब कितना अच्छा व्यूज दिख रहा है, आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यूज दिख रहा है। और फैजान देख लो, फैजान का तो बहुत बुरा हाल हो गया है, बहुत देख रहे हो गाइस, क्योंकि ये रोजा है और जल्दी अजान हो जाए और टाइम इसका हो जाए तो रोजा वोजा खोल ले, फिर ये थोड़ा भूख से देख लो गाइस परेशान है। और हम लोग पहुँचे अभी हुबली से आगे, और कितना अच्छा व्यूज दिख रहा है गाइस देखो, फैजान के रोजे का टाइम हो गया है अफ्तारी का, और वो अफ्तारी अब करने जा रहा है देखते हैं, और आज अफ्तारी ट्रेन में ही करेगा क्योंकि बहुत सारा ये अंगूर है, समोसे और वड़ा पाव है, और बिस्किट भी है। जस्ट अभी हम पहुंच गए हैं, और टाइम 6:30 बजे, 2 घंटा लेट है, अभी जस्ट हम उतना उतरने जा रहे हैं। देख लो गाइस 7 बज गया है, 7 बजे छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा पहन ले लो तो छूटा ना सामान वामान ऊपर ऊपर, हाँ सामान तो नहीं छूटा है ना ऊपर, चलो फिर निकलते हैं नीचे। वेलकम टू मुंबई। चलो चलते हैं भाई, देखो कितना भीड़ है, ये ट्रेन से हम आए थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है गाइस, चलते हैं बाहर, चले बाहर तो फिर मिलते हैं गाइस, चलो चलते थोड़ा बाहर। तो गाइस यहाँ पर जैसे तो सारा सामान वामान रख दिया, अभी हम लोग ओला बुक कर रहे हैं गाइस, तो अभी निकलेंगे कुछ टाइम बाद, और काफ़ी मज़ा आया गाइस, अच्छे से सफ़र हो गया। देख सकते हो गाइस ये सुबह सुबह का सीन मुंबई का, और इस साइड भी, तो बस जस्ट गाइस अभी हम निकलने वाले हैं, बस अभी ओला बुक कर रहे हैं, तो अभी मैं बाद में आपसे बात करता हूँ, अभी तो पहुँच के फिर अभी मेरे नींद लग रहा है, और ओला बुक करके फिर निकलना है, फिर देख सकते हो गाइस सामान वगैरह तो उससे सब रखा हुआ है। फिर मिलते हैं गाइस अभी, काफ़ी मज़ा आया गाइस ट्रेन में, काफ़ी अच्छे सफर, रात हो गया था, मैं सुबह आपको उठा था सैरी करने, सैरी वगैरह का फीस हो गया था, बाद में बचा फिर मैं उठा गाइस 5 मिनट पहले निकलने से, फिर यहाँ पे सामोस सिंधु पहले गाइस निकला हम सुबह में, फिर तुरंत उतर के हम लोग बाहर आ गए हैं। देख लो यहाँ पर विनोद भी है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है अभी तो कम हो गया गाइस, बट अब ओला बुक करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं कुर्ला फैजान के रूम पे, उसके बाद हम फिर जाएंगे गोरेगांव, और ये हम लोग गाड़ी में भी है गाइस, सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम कितना अच्छा दिख रहा है गाइस, ये सुबह का टाइम बहुत अच्छा दिख रहा है, और इतना सारा हमारा सामान भी है गाइस, इसलिए हम लोग को ओला बुक करना पड़ा, नहीं तो हम लोग लोकल से ही जाते हैं।
गाइस पहुंच चुके हैं अपने एरिया में, देख सकते हो इधर हमारा एरिया भी दिखाता हूँ भाई मैं।